गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक डीटेक ऑडियो कंपनी का एक TDA 2050 के बारे में बात करेंगे. ओके, एक्चुअली मैंने पिछला एक ऑडियोक्स का स्पीकर सिस्टम रिव्यू करने के टाइम में मैंने इसके बारे में वीडियो बनाएंगे बोल रहा था. तो इसके बारे में बताना, तो ये TDA 2050 का 5 चैनल है. ओके, 1 2 3 4 5. इसमें आईसी का स्पेशलिटी क्या है कम्पेयर टू ट्रांसिस्टर एम्पलीफायर बोर्ड्स. आईसी में बहुत कम कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए, एक वन चैनल है इधर से इधर तक, तो वन चैनल में कम से कम 1 2 3 4 4 5 रेसिस्टर्स, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स, 1 2 3 4 5 5 सेरामिक कैपेसिटर्स, बस इतना ही है इसमें. और इसका जो पीसीबी है, ग्लास एपॉक्सी पीसीबी है, बहुत अच्छा पीसीबी है, थिकनेस वगैरह अच्छा है. और इसका स्पेशलिटी दूसरा है, इसमें 4725 वॉट का दो फिल्टर कैपेसिटी यूज़ किया है. तो 3 NIS का एक रेक्टिफायर भी लगा हुआ है. तो इसमें आपको सेपरेट पावर सप्लाई लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी पावर सप्लाई लगा चुका है. तो आपको डायरेक्ट एसी इनपुट देना है, इधर एसी इनपुट देना है, और इसका 0 इधर लगा हुआ है, इसके बीच में ये दो कैपेसिटर का बीच में लगा हुआ है. तो पीछे भी इसका अच्छा से मीन्स उन लोगों ने डेटा कंपनी ने बहुत अच्छा से इसका पीसीबी ड्रॉ किया है. इसका पीछा कॉपर का क्वालिटी बहुत अच्छा है, और इसमें एक्स्ट्रा हमको पावर देने के लिए मीन्स वायर का थोड़ा थिकनेस देने के लिए एक्स्ट्रा ओपन लेड दिया हुआ, मतलब इधर आपको लेड भर सकते हैं, भर के भी आया हुआ है. और इसका एक हर कंपोनेंट्स में एक SMD रेसिस्टर भी लगा हुआ है. मीन्स इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो नीट एंड क्लीन, और हैवी हीट सिंक भी दिया हुआ है, जो उसका हीट फैन का इस्तेमाल करने का ज़रूरत कभी कभी नहीं पड़ता है. और हम इसका ये IC के बारे में एक बार देख लेंगे. ओके, देखिए TDA 2050 इसका कंपनी ने इसका ST कंपनी बना हुआ IC है. ST वो देख सकते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ST का ओरिजिनल IC है. 2030 भी आता है, 2050 भी आता है. 2030 हमको 18 वॉट RMS देते हैं. ओके, 18 वॉट RMS पावर. और 2050 वो दोनों TDA 2050 हमको 32 वॉट RMS देते हैं. 32 RMS इसका फुल वोल्टेज में, फुल वोल्टेज हमको प्लस और माइनस 50 वोल्ट दे सकते हैं. प्लस और माइनस 50 वोल्ट मीन्स अगर आपको ड्यूअल सप्लाई में करते हैं, ड्यूअल सप्लाई में है, तो आपको प्लस और माइनस 25 ओके कैसे है. वो हमको एक 17 वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए, 17017, तब जाके इसका रेक्टिफाई करने के बाद आएगा ऑलमोस्ट 25 वॉट, 25025 प्लस 25 माइनस 25. ये सिंगल ड्यूअल सप्लाई के बारे में, अगर सिंगल सप्लाई है तो 50 वॉल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव. इसमें आता है 32 वॉट RMS पावर, ट्रू RMS पावर है इसका. हाई वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी है IC को. और 4 ओम्स लोड में है, ठीक है, 8 ओम्स भी कनेक्ट कर सकते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है, मगर थोड़ा सा पावर कम मिलेगा, साउंड कम आएगा 8 ओम्स में. 4 ओम्स में अच्छा मैचिंग आ जाएगा, इम्पीडेंस मैचिंग भी अच्छा आ जाएगा, साउंड भी अच्छा मिलेगा आपको. ये 4 ओम्स 8 ओम्स में कौन सी स्पीकर एम्पलीफायर के लिए अच्छा है, सुनाने के लिए अच्छा है, ये भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको मेरा वीडियो सर्च कर सकते हैं, 4 ओम्स 8 ओम्स लोड में, वो वाला वीडियो देख सकते हैं. और एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो भी आप मैं अपलोड कराएंगे. तो
इसका सेफ ऑपरेटिंग वोल्टेज है ना, या एसी, ये मैक्सिमम वोल्टेज है कितना, प्लस और माइनस 50। हमको इसको मैक्सिमम मींस हमको जो सेफ एम्पलीफायर का कोई कंप्लेंट नहीं है और अच्छा से इसको लॉन्ग लाइफ के लिए हमको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस और माइनस मैक्सिमम 34 वोल्ट, 34 to 35, 36 वोल्ट। ये 36 वोल्ट में मीन्स सिंगल सप्लाई है तो 36 वोल्ट और ड्यूअल सप्लाई है तो प्लस और माइनस 18 वोल्ट, मीन्स 18 प्लस 0 18। इसके लिए आपको एक 12.5 to 13 वोल्ट का ड्यूअल ट्रांसफार्मर चाहिए। वो कैसे है, 12.5 0 12.5, नहीं तो 12 0 12 भी सही है, 12 0 12। इसमें रेक्टिफाई होने के बाद आपको आएगा 17.5 वोल्ट, ऑलमोस्ट 18 वोल्ट प्लस माइनस। तो ये वोल्टेज में ये ऐसी अच्छा काम करेगा, मीन्स अच्छा स्टेबल रहेंगे, डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे और ए आई सी का लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेंगे। और 2030 के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो पसंद आ गया तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाला बहुत सारा वीडियोस में डालेंगे, रिव्यू करेंगे और साउंड इफेक्ट भी बता देंगे आपको ये बनाने के बाद। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियोस आपको देख सकते हैं। टाटा बाय बाय।